गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर लिंकन एंड द बर्ड्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ सी नंबर वन। चीप 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 केम ए साउंड फ्रॉम द वेट ग्रास। चीप चीप चीप, इस तरह की आवाज़ आई कहाँ से? गीली घास से। ओके, एंड क्वेश्चन इज ए, हु वर मेकिंग दिस साउंड, ऐसी आवाज़ कौन कर रहा था? एंड द आंसर इज द यंग वंस ऑफ बर्ड वर मेकिंग दिस साउंड। चिड़िया के जो छोटे बच्चे थे वे इस तरह की आवाज़ निकाल रहे थे। नंबर बी, व्हाट हैड हैपेंड टू देम, उनके साथ क्या हुआ था? एंड द आंसर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म हैड ब्लोन देम आउट ऑफ द नेस्ट। क्या हुआ था? एक बहुत ही तेज हवा और एक बड़े तूफान जो क्या है वो उड़ा ले गया था किन्हें? चिड़िया के छोटे बच्चों को, उनके घोंसले से वे नीचे गिर पड़े थे। कम टू द नंबर सेकंड, व्हाई शुड वी बॉदर। नंबर वन, हु सेड दिस, हम क्यों परेशान हों, हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, ये किसने कहा? मिस्टर हार्डिन वन ऑफ द लॉयर सेड दिस, उनमें से एक लॉयर ने जिनका नाम मिस्टर हार्डिन था उन्होंने ये बात कही। नंबर बी, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द स्पीकर, ये जो बात कह रहा है, व्हाई शुड वी बॉदर, कि हम क्यों परेशान हो, ये जो वक्ता है ना, स्पीकर है, इससे क्या पता चलता है कि आपको क्या पता चलता है कि स्पीकर कैसा है, उसका नेचर कैसा है बाय दिस स्टेटमेंट? एंड द आंसर इज इट टेल अस दैट स्पीकर इज वेरी सेल्फिश एंड नॉट वेरी काइंड टू क्रीचर्स। क्या है ये? हमें बताता है कि जो वक्ता है वो बहुत ही स्वार्थी है और क्रीचर्स मीन्स प्राणियों के प्रति उसके अंदर दया भाव नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नंबर थर्ड, एंड द स्टेटमेंट इज वेल, वी ऑलवेज थॉट यू वर ए हीरो, हम हमेशा से ये सोचा करते आए हैं कि आप एक नायक हो, आप हमारे हीरो हो। And the question is, who said this to whom? ये बात किसने किससे कही? Mr. Speed said this to Abraham Lincoln. Mr. Speed ने Abraham Lincoln से ये बात कही। Number B, did he really mean it? क्या उनके कहने का ये सचमुच यही अर्थ था? क्या इसके पीछे कोई उनका व्यंग था? No, he only want to tease Lincoln about what he had done for such a worthless young birds. क्या मतलब था? उन्होंने, मिस्टर स्पीड ने क्या किया? व्यंग किया, कमेंट किया, किसको? अब्राहम लिंकन को। तभी तो कहा जा रहा है ना, ही ओनली वॉन्ट टू टीज, वो केवल उन्हें चढ़ाना चाहते थे कि लिंकन हम तो तुम्हें हीरो समझते थे अपना, लेकिन आज हमें मालूम हो गया क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। क्या किया? और तुमने इस प्रकार के एक बिना अर्थ की, जिसकी कोई कीमत नहीं हो, ऐसे चिड़िया के बच्चों के लिए तुमने इतनी मुश्किल में तुमने खुद को डाला। ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू फिल अप दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्टोरी। ओके, एंड नंबर द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स इन द स्टोरी। इफ यू हैव बुक, यू हैव टू डन इट इन योर होमवर्क। Okay? Thank you.